السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. शेख मुझे ये पूछना है कि आजकल आजकल जो ख्वाब है ना शेख, वो ख्वाब की ताबीर बोलते, मैं भी एक जनों से ख्वाब की ताबीर पूछी थी शेख, तो मैं एक जनों से सुनी थी ख्वाब की ताबीर पूछना भी हराम है और जो ख्वाब की ताबीर हम बोलते ना उनला भी बोलना हराम है, और मुस्तकबिल के बात हम बतलाते हो ना ख्वाब में क्या आगे क्या होता है सब ऐसा बोले शेख, तो आप बोलिए ना सही, मुझे ऐसा ना बोलना ना जायज है क्या जी शेख, सर, मैं आपका बहुत सवाल जने वाजे। मुंह से सुनी ख्वाब की जी ताबीर, बहुत जने मुझे, बोलते। हाँ जी, वाजे वाजे आपका हाँ सवाल। जी, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे ख्वाब की ताबीर का इल्म नहीं है, ये सबसे पहली बात मैं वाजे कर दूं। दूसरी बात ये कि ख्वाब की ताबीर पूछने का हुक्म क्या है, ये जायज है। ख्वाब की ताबीर पूछने का हुक्म जायज है, लेकिन आप किसी ऐसे इंसान से ख्वाब की ताबीर पूछें जिसके पास ख्वाब की ताबीर का इल्म हो, हर किसी से नहीं। अगर कोई आलिमे दीन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ख्वाब की ताबीर भी जानता है। अब जी यहां देखिए, हम आपको शरीयत के मसाइल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितना इल्म दिया है उसके मुताबिक बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर मैं आलिमे दीन हूं तो मैं ख्वाब की ताबीर भी जानता हूं। ख्वाब की ताबीर ये एक बिल्कुल अलाहदा और मुस्तकिल इल्म है, इसका इल्म बहुत कम लोगों के पास होता है और ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं। तो जी ऐसे जी आदमी से ख्वाब की ताबीर पूछना जायज है जिसके पास इल्म हो, साले हो, नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, ऐसा नहीं कि वो मनमानी जो है अपनी तरफ से कुछ भी बताता हो। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती है, ये जब आप ख्वाब की ताबीर जानने वाले के पास जाएंगे तो आपको बताएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है गालिबन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ख्वाब जी तीन तरह के होते हैं। एक ख्वाब तो वो होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और वो जी ख्वाब उस ख्वाब की ताबीर होती है जिस ख्वाब को नबुवत का एक हिस्सा बताया गया है, एक जुज बताया गया है, ये वही ख्वाब है जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो इसकी ताबीर होती है और जिनके पास इल्म होता है वो इसकी ताबीर बताते हैं। दूसरी किस्म है ख्वाब की, जो आप दिन भर आप जो चीजें सोचते हैं, जो चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, हदीसु नफ्स जिसको कहा जाता है अरबी में, आपके जी दिमाग में जो बात चल रही होती है वही चीज आपके ख्वाब में आती है, इसकी कोई ताबीर नहीं होती है। जी इसी तरह तीसरी किस्म है जो चीजें शैतान की जानिब से होती हैं, शैतान की जानिब से वो जी आपके दिमाग में वसवसे डालता है, तो उसको आप ख्वाब में देखते हैं, तो इसकी भी कोई ताबीर नहीं होती है। लिहाजा ख्वाब जब आप देखें, अगर आपके आसपास में कोई ताबीर बताने वाला है सच्चा नेक, उससे आप जाकर के ताबीर पूछें, वरना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई अच्छा ख्वाब देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप अच्छा गुमान रखें और उससे नेक फाल लें। अगर कोई डरावना भयानक खतरनाक ख्वाब देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह जी तलब करें उससे।